Hi guys, once again welcome back to our channel NEET Easy makes physics easy. So कैसे हो आप लोग? हमेशा की तरह अच्छे और मैं भी आप लोगों की दुआओं से बहुत अच्छा. So क्या लेकर के आए हैं आज हम लोग? आज लेकर के आए हम लोग analysis of oscillations. जैसा कि इसके चेहरे पे चीज वाली स्माइल है, वैसे ही आप लोगों के भी चेहरे पे आती है क्या oscillation नाम सुन के? क्या सर, ऑसिलेशन तो मुंह की हंसी ले जाता है. चलो ऐसा कुछ नहीं यार, बहुत इजी सा टॉपिक है. ठीक है, बहुत इजी सा टॉपिक है. बट इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा. देखो यार, अगर आप लोग आ ही गए हो ये वीडियो देखने के लिए, सो पूरा देख कर जाओ. क्यों? अगर आपका 10-7-8 मिनट में अगर आपको पता चल रहा है कि पूरे चैप्टर में आखिर आप लोगों को पढ़ना क्या है, सो आई डोंट थिंक सो इट्स अ बैड डील. Alright, so अगर आए हो तो पूरा देख कर जाओ. ठीक है, आपको हेल्पफुल होगा. ओके, खैर आगे आपके विषय, तो जल्दी से करते हैं क्या शुरू बिना वक्त जाया किए. सो हो जाए शुरू. ओके, करते हैं जाने शुरू. सो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को इस चीज इस चैप्टर के अंदर पता होना चाहिए वो क्या? क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इक्वेशंस. क्या मतलब हुआ इसका? देखो आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो ओवरऑल अगर मैं ऊपर ऊपर से देखूं, सो दो टाइप का इक्वेशन मिलेगा आपको. एक वो दिखेगा आपको x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और दूसरा दिखेगा आपको ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स. ओके, सो इसको हम क्या बोलते हैं प्यार से? इक्वेशन ऑफ वेव. मतलब कि कौन सा वाले हो गया ये आपका? आपने वो क्वेश्चन से याद है, ऐसा स्ट्रिंग लगा हुआ है, ऐसा किया, सो ऐसा ऐसे 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 करके वेव जाता है ना, ऐसे ऐसे करके वेव जाता है. सो वो वाला हो गया इक्वेशन ऑफ वेव. और इक्वेशन ऑफ एसएचएम क्या हो गया? क्या यही चीज ना, स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम. सो ये वाला. ठीक है, सो आपको इन दोनों इक्वेशन के अंदर, देखो इन दोनों इक्वेशन का क्रिस्टल क्लियर अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या समझो इस चीज को. उस इक्वेशन ना, उस इक्वेशन के अंदर ए क्या रिप्रेजेंट करता है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट करता है, फाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और नीचे वाली इक्वेशन के अंदर ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ओमेगा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टी मतलब तो आई थिंक सबको पता होता है, आई थिंक हाँ टाइम. ठीक है, और के क्या रिप्रेजेंट कर रहा है एंड एक्स क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सारी की सारी चीजें ना आप लोगों को बहुत क्लियरली पता होना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल छोटे 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 क्वेश्चन उठाकर पूछ देते हैं यहां से. ठीक है, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर करके रखो. ठीक है, और एक बार वो चीज क्लियर आ जाती है उसके बाद आप लोगों को एक थोड़ा सा आइडिया क्या होना चाहिए, ग्राफ कैसा होता है अभी साइन थीटा का और कॉस थीटा का, और अगर आप उसमें कुछ चीज ऐड कर देते हो तो थोड़ा सा उसके अंदर क्या डिफरेंस आ जाता है. ऑल दो आप सिर्फ अगर ग्राफ बेसिक भी याद रखोगे ना, साइन थीटा और कॉस थीटा का कैसा होता है, काम चल जाएगा. ऑलराइट, सो वो एक छोटा सा टिप टाइप का है, खैर आप लोगों को जब वो पढ़ोगे तो ऑब्वियसली याद हो ही जाता है. ठीक है, क्योंकि हम उसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन के लिए भी उसके दो फॉर्मूलेज याद करते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा के. ऑलराइट, सो एक बार उतनी सी चीज करने के बाद अब देखते हैं इस पे क्वेश्चंस आते किस किस टाइप पे हैं. ठीक है, देखो आपको अगर वो दो इक्वेशन अच्छे से समझ में आ गया तो उधर से आप सबसे पहली चीज क्या निकाल सकते हो जानी? जानते हो क्या सर? देखो एक्स दिया है तो वो ही घूम फिर के कहानी दोहरानी है क्या? डिफरेंशिएट करके क्या निकाल सकते हो? उसका वेलोसिटी निकाल सकते हो ना जानी, तो आप इक्वेशन का वेलोसिटी भी निकाल सकते हो उधर से. ठीक है, किस फॉर्म में? साइन थीटा एंड कॉस थीटा के फॉर्म में. ऑलराइट, सो एक तरीके के क्वेश्चन वो होते हैं कि आप इसको डिफरेंशिएट करके बता दो हमको वेलोसिटी, किसी भी पोजिशन पर पूछ सकता है वो. ठीक है, ऑलराइट, उसके बाद जो आता है आपका वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, इसका मतलब क्या है सर? देखो आप जब SHM पढ़ोगे ना, सो उसमें ये चीज आप लोगों को बहुत अच्छे से बताया जाता है कि कब उसका वेलोसिटी मैक्सिमम होता है, कब उसका वेलोसिटी जीरो होता है, और किस पॉइंट पे आपका वेलोसिटी जीरो होता है बट एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है, और किस पॉइंट पे आपका एक्सेलरेशन जीरो होता है और वेलोसिटी मैक्सिमम होता है. सो इन सारी चीजों को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि क्योंकि क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए ये कहानी है दिमाग में फिट करने लायक. ठीक है, सो ये समझ के चलना. और सुपरपोजिशन, सुपरपोजिशन है यार. देखो सुपरपोजिशन मतलब क्या? दो SHM में दोनों को कंबाइन कर दिया, बताओ इसका रिजल्टेंट SHM क्या? अब देखो इसमें जो थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है वो क्या होता है? सर यार ट्रिग्नोमेट्री आ गया यार, आई हेट ट्रिग्नोमेट्री बिकॉज आई हेट मैथ्स. इज इट लाइक दैट? नो. सो देखो अब ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बहुत हाई लेवल की नहीं आने वाली है, बिल्कुल बेसिक है यार. अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री में उसमें थोड़ा सा भी दर्द या फिर एनी काइंड ऑफ तकलीफ या फिर एनी काइंड ऑफ छटपटाहट है तो क्या याद रखो? देखो मैं आपको बता देता हूं, आप क्या कर लो, कहां यहां लिख देते हैं, एक काम करते हैं आप,
साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रख लो और उसके बाद कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला याद रख लो। एक काम करो, इसको भी छोड़ो, आप उससे अच्छा ये याद रखो। क्या याद रखो सर? साइन सी प्लस साइन डी एंड कॉस सी प्लस कॉस डी, ये दो फॉर्मूले याद रख लो यार, निकल जाएंगे क्वेश्चन कैसे इजीली। ठीक है, सो ये दो फॉर्मूले आपको हेल्पफुल रहेंगे, सो इनको याद रख लेना। और एक जो होता है आपका हाफ एंगल रिडक्शन का, एक और यहां पे साइड में जगह बना के लिख देता हूं मैं, साइन टू ए का। ठीक है, खैर ये आप लोगों ने काफी बार यूज किया होगा, सो बस ये दो चीजें कर लो ना, इजी होता है यार। सुपर पोजिशन में कोई ज्यादा दम नहीं है, दिखता भयानक है लेकिन है बहुत ठुस इज अ प्रॉब्लम। ठीक है, सो सुपर पोजिशन कर लो, एक्सेलरेशन पता होना चाहिए क्या होता है एंड वेलोसिटी पता होना चाहिए। अगर ये चीज आप लोगों ने कर ली तो आप क्या कर सकते हो, क्या इसको फिनिश वाली टिक्की दे सकते हो अभी? ना 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 ना, अभी तो ये भी बाकी है। ठीक है, अब देखो ये क्या है, पाथ ऑफ पार्टिकल इफ इफ एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, अगर आपको क्या दे करके रखा है, एसएचएम की इक्वेशन दे करके रखा है, मतलब एक पार्टिकल ऐसा कर रहा है एक पार्टिकल ऐसा कर रहा है, सो रिजल्टेंट क्या होगा उसका, समझ में आ रहा है? रिजल्टेंट पाथ क्या होगा पार्टिकल का, एक पार्टिकल मतलब कि एक ही पार्टिकल की बात कर रहे हैं, वो पार्टिकल का रिजल्टेंट पाथ क्या होगा। ठीक है, सो ये जब आप क्वेश्चंस करोगे तो समझ में आएगा, और इस तरीके के क्वेश्चंस भी आते ही हैं। और जनरली जो इसमें आपका होता है क्या, या तो इक्वेशन ऑफ एलिप्स बन जाएगा या फिर इक्वेशन ऑफ बन जाएगा क्या, सर्कल। सो बहुत इजी होता है ये भी, दो इक्वेशन दिया होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या कर देते हैं, एक का स्क्वायर किया दूसरे का स्क्वायर किया, अगर साइन स्क्वायर होता है और कॉस स्क्वायर होता है तो दोनों ऐड होकर क्या हो जाता है, वन। सर क्या बकवास कर रहे हो, कुछ समझ नहीं आया साहब, दो दो फिट ऊपर से गया। अगर देखो हम इसको समझ लेंगे यार, समझ लेंगे, रिवीजन जब करेंगे तब समझ लेंगे, पर जब तक आप लोगों को जो भी मॉड्यूल से आपके पास या आप लोग जहां से भी प्रिपेयर कर रहे हो सो वहां से इस सब चीजों का आइडिया लेकर के चलो कि ये सब चीजें कहां कहां कराइए और आपको कितने अच्छे से आती है। अगर ये चीज कर लेते हो तो पहली चीज क्या कर लो, अब फिनिश वाली टिक्की मार दो, बिकॉज नाउ यू आर क्लियर विद दी equations, how to find out velocity, acceleration, and how to solve superposition related problems, और उसके बाद path of particle कैसे निकालोगे अगर x and y direction में SHM दिया होगा। ठीक है, ये चीज कर लो, ये हो गया इसको finish वाली टिक्की। अब आ जाओ उसके बाद दूसरी जो चीज होती है उसको क्या बोलते हो, phasor diagram for chasing type of problem। अब देखो एक चीज और समझा देता हूं फेजर डायग्राम के बारे में, देखो है तो ऐसे इंपॉर्टेंट, बट क्या जरूरी है सर हमें फेजर डायग्राम करना, मेरा मन नहीं है करने का, मैं बोलूंगा मत कर। अगर तुझे ट्रिग्नोमेट्री पसंद है, थोड़ा सा कैलकुलेशन पसंद है ज्यादा, तो जा फेजर डायग्राम छोड़कर जा। ठीक है, क्योंकि देखो फेजर डायग्राम क्या है ना, एक बहुत इफेक्टिव टूल है, बहुत इफेक्टिव टूल है वो, आपका वो जो इक्वेशन दिख रहा है ना, सड़ू सा इक्वेशन, ठीक है इतना भी सड़ा नहीं यार, सो वो उस पूरे इक्वेशन को क्या करता है, सर्कुलर मोशन में कन्वर्ट कर देता है। सो वहां से आपको जब वो चेजिंग वाले प्रॉब्लम आते हैं ना, ये पार्टिकल इतनी स्पीड से जा रहा है, बताओ कितने थीटा के बाद या किस एम्पलीट्यूड पे उसको कैच कर लेगा, इसका उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सो इस तरीके की जो चेजिंग वाले प्रॉब्लम होते हैं ना वो आपको इससे बहुत ईजिली दिख जाते हैं, ऑल्दो उससे भी हो जाते हैं। सो वो हर एक का इंडिविजुअल कॉल होता है, देखो किसको किसमें ज्यादा आराम, ज्यादा मजा किसमें आ रहा है, बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कर लो फेजर डायग्राम, अगर कर सकते हो तो कर लो, अच्छा होता है, इजी होता है, टाइम सेव कर लेगा आप लोगों का। ठीक है, और फेज डिफरेंस वाले प्रॉब्लम्स में भी आपको काफी हेल्पफुल होता है, चीजें डायरेक्टली दिखती हैं। ठीक है, डायरेक्टली, सो ये एक चीज हो गया। ठीक है, इसी के साथ इसको बोल सकते हो तुम भाई प्यार से फिनिश। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड सब टॉपिक, दैट इज एनर्जी इन SHM। बिल्कुल बेबी चीज है, बिल्कुल बच्चा टॉपिक है ये, बट इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज लगनी है इसमें, तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला लगना है, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भी क्या होती है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एंड ब्रैकेटेड ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये क्या होता है आपका हाफ के एक्स स्क्वायर, सिंपल। और एक चीज जो आपको इसमें याद रखना है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। अब मतलब आपका पूरा का पूरा जो SHM हो रहा है उसमें किसी भी पॉइंट पे आप क्या कर सकते हो, टोटल एनर्जी कंजर्व कर सकते हो ना। और सिंपल सी बात है, जो हमने वर्क पावर एनर्जी में देखा था कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, बिल्कुल उसी का दूसरा भाई है ये, बस SHM में लग रहा है।
सो बहुत सिंपल सी चीज है और काइनेटिक एनर्जी का इक्वेशन चेंज हो गया थोड़ा सा, सो कुछ नहीं है। ऑल्दो इसको भी आप क्या लिखते हो, ये पूरा आपका है क्या v स्क्वायर ही तो है, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेटेड a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, ये v स्क्वायर ही तो है बस, ठीक है SHM में ऐसा लिखा है। सो बहुत इजी सा चीज है, इस पे तो क्वेश्चन एक भी नहीं छोड़ना है, अगर इस पे क्वेश्चन छूट रहा है तो समझ लो आपने सिली मिस्टेक नहीं की है। एक चीज और हमेशा याद रख लेना, एग्जाम में जो भी आप सिली मिस्टेक कर रहे हो तो समझ लेना वो सिली मिस्टेक नहीं होता जानी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिली मिस्टेक इज इक्विवेलेंट टू ब्लंडर, वो ब्लंडर है आपका। अगर आपकी सिली मिस्टेक हो रही है इसका मतलब गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी ही है, क्योंकि आप एक नेशनल लेवल का एग्जाम दे रहे हो, उस पर एक सिली मिस्टेक भी ना आपको बहुत रैंक नीचे डाउन कर सकता है। सो सिली मिस्टेक आज से बोलना बंद, कॉल इट अ ब्लंडर, इट्स अ ब्लंडर, से नो टू सिली मिस्टेक्स, ओके। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग क्या, पहले इस पे करते हैं फिनिश वाली टिक की, देन आ जाते हैं हम लोग फोर्थ सब टॉपिक पे, दैट इज टाइम पीरियड के इक्विवेलेंट एंड सिंपल पेंडुलम रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बहुत इजी है ये भी, देखो क्या होता है इसके अंदर, सिर्फ दो फॉर्मूले हैं आपको के इक्विवेलेंट के, के वन प्लस के टू एंड वन बाई के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू, बस ये दो फॉर्मूले लगाने हैं आपको। पैरेलल सीरीज जो भी दिया होगा वो आप जान लोगे कि किसमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। उसके बाद एक रिलेशन जो आपको याद रखना है वो क्या, के इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, सॉरी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एल, ठीक है, एंड टी मतलब क्या, टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। अब देखो एग्जामिनर कितना शातिर है, कैसे सर हमको भी तो बताओ, देखो सुनो दो यार। सो क्या होता है, देखो के का क्या रिलेशन दिया आपको, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वन बाई एल या फिर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एल, ठीक है। सो अब यहां से उसने के दे दिया ना, तो यहां से उठा के सीधा आपको पूछ लेगा बताओ अब टाइम क्या है, यही पूछ सकता है। दो तीन स्प्रिंग आपको कॉम्बिनेशन में दे दिया, उससे आपको पहले लगाना पड़ेगा ये, फिर उसके बाद अगर उसने पूछ लिया बताओ रिजल्टेंट जो आपका मोशन आएगा या जो भी आपका रिजल्टेंट सिस्टम आने वाला है उसका टाइम पीरियड क्या होगा, सो यहां पे क्या लिखेगा जानी, हाँ अब वो चीज निकालना पड़ेगा ना, समझ में आ रही है बातें। सो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है, इधर से इधर भी आ सकते हैं और इनफैक्ट आते ही हैं, ठीक है। सो ये चीज अगर आप लोग कर लेते हो तो इसी के साथ इसको भी क्या बोल सकते हो, प्यार से फिनिश टचक, ठीक है। बहुत इजी प्रॉब्लम्स होते हैं यार इसके अंदर भी, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल दम नहीं होता। और एक लास्ट जो सब टॉपिक है दैट इज डैम्ड SHM एंड फोर्स ऑसिलेशन, इसके ऊपर थोड़ा सा एक ब्रीफ पढ़ लेना आप लोग, अगर खुद से प्रिपेयर कर रहे हो तो थोड़ा जितना NCERT में दिया उतना देख लो, अदरवाइज अगर आपका कोई कोचिंग है या प्राइवेट ट्यूशन है जो भी है सो वहां से आप लोग थोड़ा सा हेल्प ले लो, बट ब्रीफ ही करना है इसके बारे में, कोई बहुत ज्यादा इसके अंदर नहीं करना है क्योंकि क्वेश्चन का फ्रीक्वेंसी काफी कम है इसका। ऑलराइट, सो बस इसके अंदर यही था, एक स्वीट से एनालिसिस मैंने देने का आपको ट्राई किया, और इस एनालिसिस को अगर कर लेते हो अच्छे से एब्जॉर्ब करते हो सो आई कैन बेट ऑन दिस, एक भी क्वेश्चन छोड़ोगे नहीं, सारे के सारे क्वेश्चन आंखों के सामने चमक जाएंगे, ये क्वेश्चन उस टॉपिक से, ये क्वेश्चन उस टॉपिक से, ठीक है। सो ध्यान से देखो इस एनालिसिस को, क्यों, बिकॉज इट विल हेल्प यू टू बूस्ट अप योर परफॉर्मेंस। थैंक यू, दैट्स इट फ्रॉम माई साइड, कर देते हैं अभी खत्म, ठीक है, चलो बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।